That's good. Okay. इसको कॉपी में बनाओ वो बीम है, आप चाहे तो इसको बैल के गले में भी लटका सकते हैं, बीम रहेगी कि नहीं, ये बीम है, बड़ी बीम है, यहाँ से पकड़ भी चला सकते हैं। एंड एट अदर एंड अ बीम, किसी किसी में बीम बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे प्लोइंग में बीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो ए बीम इज अटैच्ड, इट इज यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम फील्ड, किससे यूज होता है, इट इज यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम फील्ड। नाउ इट इज आइदर पुल्ड मैनुअली और पुल्ड बाय एनिमल्स, या तो खुद ही, जैसे कल वो खींच रहा था वीडियो में, तो खींच सकते हो, खींच खींच के साफ कर रहा था कि नहीं घास, और या फिर पुल्ड बाय बैल के गले में लटका दो नेक्स में तो भी वो खींच लेगा। इट इज आइदर पुल्ड मैनुअली, खुद करें, और पुल्ड बाई एनिमल्स, बहुत बड़ी फील्ड है तो झुक झुक के खुद नहीं कर सकते हो, तब तो एनिमल को लगा दो, फट देगा। सो जबकि फ्लो किस काम में आता है, फ्लो के बारे में भी लिखें, ये तो वो के बारे में हो गया, हम एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में बता रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के बारे में, तो एक हो गया हो, और एक क्या है ये फ्लो, फ्लो में क्या होता है, ये फ्लो शेयर जिससे खेत की जुताई की जाती है, ये क्या होता है फ्लो शाफ्ट, एंड दिस इज फ्लो बीम या बीम। सो फ्लो इज यूज्ड किस काम में आता है सर, लूजनिंग द सॉइल, यस, so it is for tilling the soil, adding fertilizer to crop and sowing the seed, removing the weeds and turning the soil, चार चीजें हैं। इसके मदद से अगर ये जमीन खुद जाए तो क्या वीड्स अपने आप निकाल लोगे, घास उखड़ आएगी, चार चीजें करेगा, क्या क्या करेगा, इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही इसे यूज किया जा रहा है, इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स ठीक है, इसलिए यूज किया जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल, फॉर टिलिंग
एडिंग फर्टिलाइजर, मान लो खाद डाल दिए फर्टिलाइजर तो वो मिला देगा। एडिंग फर्टिलाइजर टू सॉइल, सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड कर देगा। रिमूविंग द वीड्स, रिमूविंग द वीड्स, और एक काम क्या करेगा, टर्निंग द सॉइल, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे एंड टर्निंग द सॉइल जी, इतना बोल के दिखाओ आद्या, इतना और एक काम है टर्निंग द सॉइल, बोलो कृतिका। सिंस एंशिएंट टाइम्स, अंश बोलो। It is used for agriculture practices since ancient times. It is used by farmers for tilling the soil, adding manure, removing the weeds, and turning the soil. मिट्टी को अलटने पलटने, ठीक है? इतनी बात हो गई। अच्छा मैं देखो। It is made of wood and drawn by pair of bullocks. कई कई जगह घोड़े भी चला और हॉर्सेस, लेकिन हमारे यहाँ तो बुलक ही होते हैं ना। इट इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड एंड पुल्ड बाई पेयर ऑफ बुलक्स, जिसको बैल चढ़ाते हैं, ठीक है नाउ। In this, a plow shaft is there. At one end, plow share is attached, and at other end, beam is attached. It has a long plow shaft. Long plow shaft. At one end, एक तरफ क्या होगा? है One end. Line. At one end. Flow share is attached. Flow share is attached. And at other end. Other end. Beam is attached. Beam is attached. Now, cultivator क्या होता है? Tractor के पीछे जो लगा है। Tractor के पीछे, है ना? So, तीसरा है कल्टीवेटर। सो कल्टीवेटर में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में एक कोई रहेगा जो कि ट्रैक्टर को चलाएगा, ठीक है? एंड दिस हैज ऑन द अदर एंड, ट्रैक्टर में पीछे ऐसे एक बीम रहेगी, और बीम में क्या रहेगा, इस तरीके से निकले रहेंगे कि नहीं, जो क्या करेंगे जमीन को
ऐसे निकला रहेगा। सो इससे क्या किया जाएगा, क्या जमीन को प्लो कर लिया जाएगा? ओके, सो नाउ कल्टीवेटर इज यूज्ड, ये ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ये हाथ से नहीं चलाया जाता है। सो इट इज मॉडर्न टूल, इट इज मॉडर्न टूल फॉर प्लोइंग फील्ड, प्लो करने के लिए, एंड इज ट्रैक्टर ड्रिवन, इसे कौन खींचता है? ट्रैक्टर ड्रिवन, ट्रैक्टर खींचता है। ओके, नाउ कुछ चीजें पलक हो के बारे में बताओ। सर एक तरफ बीम रहती है, दूसरी तरफ बेंट ब्लेड, शार्प बेंट ब्लेड इज अटैच्ड। It is used to remove weeds or unwanted plants. बिल्कुल सही, समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, पहली चीज कि मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ हो, लेबल्ड डायग्राम ऑफ हो एंड राइट ए नोट ऑन इट, राइट अ नोट। बात समझ में आ गई? सो राइट अ नोट ऑन प्लो, दो काम कर सर। ये टेस्ट है फिर, वैसे ही टेस्ट है, देख लो एक बार, थोड़ा ही है, ये तो कल पढ़ी लिया था। ये थोड़ा सा है कि एक लॉन्ग रॉड होती है, एक तरफ बीम होती है और दूसरी तरफ क्या होता है, बेंट प्लेट होती है जो कि वीड्स रिमूव करने के काम में आती है। और फिगर अभी बनवा दिया, फिगर बना लिया ना, देखो बना लिया ये। कर लिया जिसमें इंप्लीमेंट्स प्लो यूज किया है, वो यूज किया है कल्टीवेटर। अब हम सोइंग कर रहे हैं, बीज की बुआई कर रहे हैं, तो फील्ड प्रिपेयर कर लिया, क्लम्प्स तोड़ लिए गए एंड मॉइस्ट सॉइल टर्न कर दिया। नाउ इट इज टाइम, है ना, हाँ सॉइल इज टर्नड अप एंड लेवल्ड, उसको लेवल कर लिया सर, क्लम्प्स ब्रोकन, हाँ उसको लेवल कर दिया। नाउ इट इज टाइम to sow seeds, seeds of high yielding varieties और hybrid seeds, ऐसे seeds जो प्रयोगशाला में laboratory में बनाए गए हो, बहुत अच्छे seeds वही बोने चाहिए। seeds of high yielding variety, ऐसे seeds को short form में क्या कहते हैं, HYV, High Yielding Variety, HYV gives, वो क्या देते हैं, क्या बेटर क्रॉप देते हैं? Yes sir. अच्छा, so good seeds which germinates always sink in water and those seeds which float on water are unable to germinate. जो good seeds हैं, ओ Good seeds which germinate always are heavier, वो भारी होते हैं, heavier and sink in water, पानी में डूब जाते हैं,
अच्छा इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं सोइंग सीड्स के लिए और कुछ ऐसे भी हैं। टूल्स फॉर सोइंग सीड्स तो कौन कौन से टूल हैं, इम्प्लीमेंट्स देखो। तो फनल का यूज किया जाएगा। टूल यूज्ड फॉर दैट इज ट्रेडिशनल टूल, पहला क्या है? हाँ ट्रेडिशनल टूल इन दिस, जैसा कि आप बता रहे हैं इस दैट इज ए फनल इज यूज्ड फॉर ए फनल is used and seeds are put in it. Seeds are put in it during plowing. Plow जब कर रहे हो तो उसी टाइम पे इसमें सीड डालने during plowing. तो जो आपके पास मान लीजिए कि ये प्लो है तो फ्लो बीम होगी। अब फ्लो बीम में एक आप देखेंगे फ्लो शाफ्ट होगा। अब फ्लो शाफ्ट में क्या लगा हुआ होगा सर? फनल। ये शाफ्ट हो गई एंड इसी में बीम भी लगी है। अब देखो इसी के एक एंड पे क्या है? फ्लो शेयर है जो ऐसे जमीन को निकालेगा, लेकिन इसी में पीछे हम क्या लगा देते हैं? नाउ वन फनल इज ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद इट, जिसको किसान पकड़े रहेगा और इसमें सीड रहेंगे क्या? Yes, तो जहां ये आता जाएगा तो एक एक सीड डालता जाएगा क्या? Yes, और आगे ये पुल होता जाएगा तो फनल से ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है देखो जरा। Yes, क्या फनल से डाल रहा है? फनल से डाला जा रहा है। सो ड्यूरिंग प्लोइंग में हमने फनल यूज कर लिया, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल पासिंग डाउन टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फनल ले लें और एक फनल के एंड में इसमें सीड डाल दें और उसके एंड पे तीन शार्प एंड भी हो सकते हैं कि वो सीड आगे बढ़ता चला जाए, और ऐसे भी हो सकता है और उनमें गिरता चला जाए, ये सीड है और ये ऐसे भी गिर सकता है जमीन में, तो यहाँ सीट गिरता चला जाएगा। पासिंग डाउन टू और थ्री शार्पेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं, या तो थ्री फनल लो, जैसे हमने कल एक टेक्निक नहीं दिखाई थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अलग अलग के लिए अलग अलग फनल थी, उसमें सीट भर दिया और जैसे ही प्लोइंग होगा उसी के साथ साथ उसमें से सीट निकलता जाएगा। समझ में आ गया? हाँ अच्छा ठीक है। अब ये देखो इतनी बात हो गई। So such method is used. तो हमारे पास बुक में ये बना, ये ट्रेडिशनल टूल हो गया, इसमें हम सीड फिल कर रहे हैं। यूज्ड पुट इन इट ड्यूरिंग प्लोइंग। सेकंड इज सीड ड्रिल। द एडवांस मेथड इज सीड ड्रिल। सेकंड इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल दिस इज एडवांस टूल pulled by tractors, driven किसके द्वारा होता है? ट्रैक्टर ड्रिवन होगा कि नहीं? ट्रैक्टर ड्रिवन। ओके इसमें क्या होता है? दिस sows द सीड्स यूनिफॉर्मली, और इसमें ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत बड़ी बीम होगी और उसमें बहुत सारे क्या होंगे? टिलर्स होंगे, ऐसे टिलर लगे और इधर भी टिलर लगे, एक बीम ऐसा और एक बीम ऐसा। तो ये टिलर से जब हम करेंगे, अगर मैं इसी में एक ऐसा अटैचमेंट बना दूं आगे कि उसमें क्या हो बताओ? एक हमने ऐसा अटैचमेंट बना दिया और उसमें अलग अलग जब ये टिलिंग करे तो अलग अलग बॉक्सेस बना दिए जाए और उनमें क्या भर दिया जाए? सीड भर दिए जाए। देन इट विल सो इट एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस, जहां जहां पे भी होगा वो क्या करेगा? सीड को
क्या यूनिफॉर्म डिस्टेंस शो कर देगा? तो ये चीज हम लोगों ने कल देख ली थी। तो इसमें सीड्स भरे जाएंगे, सीड फर्क। तो जैसे जैसे ये प्लोइंग करेगा वैसे वैसे वहां से क्या गिरता चला जाएगा, सीड्स गिरते चले जाएंगे। दिस इज द ड्रीम जो कि आपके रूप में बना हुआ है ना। इन दिस सीड्स आर सोन, इट सोस द सीड। ये क्या करेगा, सोस द सीड्स एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस को सो कर देगा, ठीक है। इट इज सीड्स आर कवर्ड विथ सॉइल इमीडिएटली आफ्टर सोइंग सो दैट इट इज नॉट ईटन बाई बर्ड्स। इसको तुरंत ही कवर करना है, नहीं तो पीछे से चिड़िया खा जाएंगी तुम्हारा सारा सीड, वो इसी चक्कर में। सो आफ्टर सोइंग द सीड्स, आफ्टर सोइंग द सीड्स, इस तरीके का एक लकड़ी का बैटन होता है बड़ा सा बट लट्ठा, उससे पीछे से उसे बराबर करना है, लेबलिंग करना है ना, लॉग रहता है कि नहीं। जैसे आप रेलवे का बैटन नहीं देखते जिसमें पटरियां बिछी रहती है, पहले लकड़ी के आते थे कि नहीं, लकड़ी के उसी पे तो रेल की पटरी चलती थी, अब तो सीमेंट के आने लगे हैं, पहले लकड़ी के अंग्रेजों के जमाने में होते। इट इज आफ्टर सोइंग द सीड्स इट इज कवर्ड विथ सॉइल, विथ सॉइल सो दैट it is not eaten by birds। So sowing के बारे में मानसी आप थोड़ा सा पढ़ो और इतना बताओ मुझे, जरा एक बार देख लो पहले। कर दिए जाए, सॉइल प्रिपेयर कर दी जाए, मॉइस्ट सॉइल ऊपर कर दी जाए, नाउ इट इज फिट टाइम टू सो द सीड्स, उनको सो करना है, उसकी लेबलिंग भी कर दी गई है। हाई वैरायटी ईल्डिंग सीड्स आर सोन सो दैट इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, हैवियर सीड्स आर वेज जर्मिनेट एंड दे गिव गुड क्रॉप। इतना समझ में आ गया, बताओ जरा। बोलो बोलो, जो बोलना बोलो हम सही करा देंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर सोन, इट इज सजेस्टेड, ये सलाह दी जाती है हमें कैसे बीज बोने चाहिए जिससे यील्ड ज्यादा हो, जिससे प्राप्ति ज्यादा हो, हाई यील्डिंग वैरायटी। समझ आई बात की नहीं, पूरी बात फिर से बताओ। आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर्ड द क्लंप ऑफ सॉइल इज ब्रोकन एंड द सॉइल इज टर्न्ड अप एंड इट इज लेवल्ड सो इट इज टाइम टू सो सीड्स। Now it is time to sow seeds. We suggested that we sow only high yielding variety of seeds. We are suggested. हमें सलाह दी जाती है. We are suggested. ठीक है? अब बोलो. We are suggested that to sow high yielding variety of seeds in the fields. The good seeds are heavier and sink in water and बस इतना ही थी। समीर बताइए जरा। After prepare the soil, clumps is broken and moist soil is turned up. Mo-
good qualities of seeds are germinated in fields. We should sow high yielding varieties. ये line सबसे important है. हमें कैसे book में भी लिखी है. We should sow. हमें कैसे बीज बोने चाहिए. High yielding variety seeds. Heavier seeds are good and they sink in water. What is the traditional tool? बताएं पलक. A funnel is used. A funnel is used and seeds are put in during the blowing. सही है. Now seed drill के बारे में बताइए प्रिंसिपल. बोलो अंश. अच्छा अच्छा लिख लो. ये एडवांस टूल है जो कि ट्रैक्टर ड्रिपेन है. इसके आगे एक हैंडल है. इसके आगे ये क्या है बताओ. बीम. और इस ये जो है ये किसमें लगा दिया जाता है. इसमें खूक है. और जो ट्रैक्टर के पीछे क्या होती है, क्या ऐसी बीम होती है ट्रैक्टर के पीछे है. तो अगर मैं इस ट्रैक्टर में इसमें ये हुक डाल दूं तो ये ट्रैक्टर क्या इसे ले जाएगा. यस सर. तो ये ट्रैक्टर है और ये पर्सन बैठा है इसको चलाएगा. समझ में आ गई बात की नहीं. इसमें ही लगा कोई भी इंप्लीमेंट ट्रैक्टर में लगाया जा सकता है. ट्रैक्टर सिर्फ एक पुलिंग के लिए है और कुछ नहीं. और ये सारे टूलिए हो या और कोई हो वो सब इसमें लगाया जा सकता है. एक ही ट्रैक्टर से बहुत काम हो सकता है हार्वेस्टिंग में से. समझ में आ गई बात की नहीं. बताओ सीड ड्रिल. अलग driven by tractor and sows the seeds at uniform distance. ये किस किस के काम में आता है. Uniform distance पे करेगा कि नहीं. Equal gap पे sows the seeds at क्योंकि जो किसान चलाएगा तो बैल तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा मस्ती में. लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा ना. ये तो एक तरीके से. Why it is necessary to sow the seeds at uniform distance so that कि जो सीड्स हैं देट आर नॉट ओवर क्राउडेड एट ए प्लेस. अगर ओवर क्राउड होंगे तो क्या होंगे. दे विल कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स विद सॉइल. वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे और आपस में ही लड़ेंगे तो उगेंगे क्या. सो व्हाई इट इज बेटर टू यूज सीड ड्रिल. बिकॉज सीड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस. दे आर नॉट ओवर क्राउडेड एंड दे शुड नॉट कम्पीट. दे विल नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स. समझ में आ गई बात की नहीं. इसलिए हम ऐसा करते हैं. एज सीड्स फॉर ग्रोइंग एंड जर्मिनेशन नीड सफिशियंट लाइट सफिशियंट वाटर एंड सफिशियंट न्यूट्रिशन. उनको जब अंकुरण देखा है बीज से जब निकलता है कोई चीज. कभी स्प्राउटिंग तो देखी होगी. घर में मूंग की दाल या चने की दाल स्प्राउट होते हैं कि नहीं होते. yes, तो उनको क्या चाहिए. सफिशियंट लाइट चाहिए. सफिशियंट वाटर चाहिए. तो और एयर भी चाहिए. तो इससे उनका ओवर क्राउडिंग नहीं होगा. बोलो सीड ड्रिल के बारे में कुछ अंश. दिस इज एन एडवांस टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स टिलिंग एंड लेवलिंग द सॉइल. इट टिल द सॉइल एंड पोर सीड्स इन द प्लेस एंड लेवल इट. इट इज पुल्ड बाय ए ट्रैक्टर ड्राइवन बाय ए पर्सन. कितनी बात है. तो आपको दो काम करने हैं. ये सीड ड्रिल में यहीं पे बनाए रखना हो. इसको आपको देख के बनाना है. मन से नहीं बनाना है. इसी से देख के बनाना है. और एक ये भी आपको देख के बनाना है. दो चीजें आपको बनाना है. और इतना लिखना है. तो क्या क्या लिखना है आपको. राइट ए नोट. ठीक है. फॉर सोइंग. ये नोट कर लिया. चलो. And देखो क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन सोइंग एंड मेक डायग्राम. But
of traditional tool for sowing. Traditional tool for sowing and seed drill. दो बनाने हैं, ये ट्रेडिशनल टूल है और ये क्या है सीड कुछ नहीं कितना ये दोनों चलो सॉइल का क्या काम है बताइए सॉइल सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट सो इफ वी कंटिन्यूअसली ग्रो क्रॉप्स देन सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स अब किसी स्टोर से तो खजाना लुटाने रहो अनाज लुटाते रहो तो और उसको दो नहीं स्टोर में तो क्या स्टोर खाली नहीं हो जाएगा कैंटीन ही खाली हो जाती तो उस तरीके से तो हमें टाइम टू टाइम सॉइल में क्या ऐड करते जाना चाहिए सॉइल को दोगे तभी तो वो प्लांट को देगी कि अपनी तरफ से देगी वो आपको देना पड़ेगा तो मैन्योर क्या चीज होता है मैन्योर होता है ऑर्गेनिक ये प्लांट वेस्ट होता है और प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता है तो जैसे ही हम इसको सॉइल में करते हैं इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है ये देखो तो ये मैन्योर है ये देखो इसको आप छू के देखो और हल्का लग रहा है ये देखो इन्होंने ये भी देख लिया कि जो मैन्योर है इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट वेस्ट भी है कि नहीं इसी में अर्थ वॉर्म्स भी पाए जा सकते हैं किसी किसी में कितना हल्का है कि नहीं तो मैन्योर क्या होता है इट इज प्लांट
वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, तो इसको किसमें ऐड करना पड़ता है, क्या लार्ज क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा? कितना हल्का है, नहीं मिट्टी से काफी हल्का है, और प्लांट भी दिख रहे हैं अभी वेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे डिकम्पोज ही तो हो रहे हैं, ये प्लांट वेस्ट है, सो विच इज एडेड इन दिस मैन्यूर है, हल्के काले रंग का होता है, इसमें काउडंग भी हो सकती है या इसमें कुछ भी हो सकता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छा मैन्यूर है, आप तो कुछ 60 रुपए की दे के जाता है 1 kg, सो काउडंग प्लांट वेस्ट सब कुछ होगा, वो सब मिट्टी में ही तो मिल जाता है अल्टीमेटली। मैन्योर क्या है, वॉट इज मैन्योर, तो आपके बुक में क्या लिखा है, इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वॉट डज इट मीन बाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हम सब क्या है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनका जो वेस्ट है जमीन में, कभी तुमने ये सुना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट जमीन में डंप कर देते हैं और उसको कंपोस्टिंग कहते हैं, मिट्टी से ढक दिया और फिर बाद में एक महीने बाद मिट्टी हटाई तो जो तुमने प्लांट वेस्ट वेजिटेबल्स डाली थी वो काली पड़ गई ऐसे ही और वो खाद बन गई, तो यही तो प्लांट वेस्ट है, तो ऑर्गेनिजम्स का जो वेस्ट है वही क्या ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता, हम ऑर्गेनिज्म है तो हमारा वेस्ट प्लांट का वेस्ट तो ये सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसी को ह्यूमस कहते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, सो व्हाट इज मैन्योर बताओ, तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इट इज ऑब्टेन, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड, इसे कैसे बनाया जाता है, डोमेस्टिकली, ये फैक्ट्री में नहीं बनता है, ठीक है, हाँ आपके घर के बाहर जो आंगन या खेत है बस उसी में बड़ा सा गड्ढा करके डाल दिया और फिर उसको निकाल के फिर डाल दिया, यही करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन, कोई चीज जब पूरी तरीके से टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट, प्लांट का कुछ वेस्ट हो या तुम्हारे खेतों से भी कुछ निकलेगा, क्या पराली भाई, जब फसल काट लोगे तो क्या उसके बाद जो नीचे थोड़ी थोड़ी सी डंडी बचेगी वही तो पराली है, या वीडी साइड निकल जाए वो भी तो पराली ही है, तो वो सब चीज को क्या कहते हैं, फार्म वेस्ट, तुम्हारे फार्म से निकला, या किचन वेस्ट, किचन में भी से तो वेजिटेबल पील निकलते हैं कि नहीं, वेजिटेबल पील, तो उसको क्या कहेंगे, एंड काउडंग, काउडंग को अगर तुमने सीधे डाल दिया तुम्हारे सारे प्लांट जल जाएंगे, इतना गर्म होता, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, 2 महीने तक सड़ाना चाहिए, पहले तो काउडंग ही 2 साल पुराना हो, फिर 2 महीने और डिकम्पोज करो तब जाके प्लांट के लिए ठीक है, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक, तुरंत प्लांट अगले दिन मुरझा रहा है, सो वेजिटेबल पील एंड काउडंग, इन सब चीजों से क्या किया जा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि ये बना सकते हैं, आप जरा देखो कि इन सब का डिकम्पोजिशन करेंगे और फिर ऐसे बनाएंगे, लेट अस सी दैट हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए गोबर गैस प्लांट है, कैसा प्लांट होगा, उसमें सब कुछ डाल दो, लेट अस सी कैसा होगा, तो गोबर गैस प्लांट देखो आप लोग, गोबर गैस प्लांट, ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक डिस्क है गोबर गैस प्लांट, ये फ्लोट करती रहेगी और एक तरफ से तुम क्या करो, एक तरफ से तुम्हारा जो गोबर वोबर निकले इसमें डाल दो, ये बना दिए,
और दूसरी तरफ से ये डिकम्पोज होकर निकलेगा. सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. ओके, तो एक और गोबर प्लस गैस प्लांट देखो वर्किंग. How gobar gas plant works? देखो कि हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से डाला इसको स्लरी कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? अब स्लरी इधर आ जाएगा और जैसे इधर आए तो इसको बकेट से निकाल के देखो चूल्हा भी जल रहा है और जब वो इधर आ जाए तो उसको निकाल के खेतों में डाल दो या सीधे उसको खेत की तरफ एक नाली जोड़ दो चला जाएगा. उसके लिए यहाँ से डालो और वहां से क्या होगा खेतों में चला जाएगा कि नहीं. तो गोबर गैस प्लांट खूब ये किसान लोग यूज करते हैं. और ये देखो गैस निकल रही. कभी कभी ये स्लाइडिंग ढक्कन होता है ये उठ जाता है. उठ जाएगा तो लोग कहेंगे देखो मेरे घर कितनी गैस भरी है इससे तो 10 दिन का खाना बन जाएगा. तो ये फ्लोटिंग होता है. बीच वाला कैसा होता है? फ्लोटिंग. जरा देखो फ्लोटिंग वाला. तो कई बार ऐसा होता है जो गोबर गैस प्लांट है तो कहीं कहीं पर वो फ्लोट भी करता है. ये तो इससे डिस्क फ्लोट करेगी तो पता चल जाएगा कि गोबर गैस प्लांट है. ओके, यहाँ पर ये दिखाया गया बायोगैस प्लांट्स. ये बायोगैस प्लांट तो इसमें ये दिखाया गया ये फ्लोटिंग है. दिस एनएरोबिक डिकम्पोजिशन सच एज कैरीड आउट एज प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन बैक्टीरिया टैंक एंड ओवरफ्लो. ये देखो ये फ्लोट करेगा. ये तैरने वाला है तो ढक्कन ऊपर आ जाएगा. तो जब ये फ्लोट करेगा और ये कहाँ चला गया? ओवरफ्लो टैंक. जब ओवरफ्लो होगा तो क्या खेतों में चला जाएगा? और यहाँ से हटाते. समझ में आ गई बात? तो मैन्योर इससे जो बना क्या वही मैन्योर है? तो मैन्योर के बारे में क्या कहा गया बताओ? डोमेस्टिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाई किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है? नाम से डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट decomposition of plant waste and vegetable peels and gobar gas. गोबर से बनता है कि नहीं? इन सब चीज से बनता है. It contains, इसमें थोड़ा तो nutrients रहेगा लेकिन ज्यादा बताओ क्या रहेगा? ये ठीक बताना. Large amount of organic matter. Organic matter हल्का जो matter है ना वो ज्यादा है. और कह दो इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना, थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है. बोरा भर डालोगे तब इतनी नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगी. इसको ट्रैक्टर में भर के डालना पड़ता है पूरे खेत. थोड़े से नहीं काम चलेगा कि थोड़ा सा मिले. थोड़ा तो फर्टिलाइजर छिड़का जाता है, मुट्ठी में लेता ऐसे छिड़का पूरे में काम होगा. और इसको किस में डालना पड़ेगा? बोरे बोरे. सो इट कंटेन्स लार्ज. इसमें क्या है बताओ? ऑर्गेनिक मैटर लार्ज है जो ऑर्गेनिक प्लांट ऑन सड़ गया. और स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बोलो बात समझ में आई? सेंटेंस रिपीट करो जरा. बोलो. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स. नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, बोरान, आयरन, 19 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में भी चाहिए, कुछ स्मॉल अमाउंट में भी चाहिए और कुछ बहुत थोड़ा चाहिए. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स.
बहुत ज्यादा चाहिए, लार्ज है तो मैक्रो बहुत, और कुछ कुछ कोबाल्ट बहुत थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, और कुछ और बहुत थोड़े चाहिए वो और। तो हमने क्या देखा बताऊं कि वेजिटेबल पील एंड दिस इट कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सही है, इस चीज को देखो, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा इसमें बस आपको डालना है, आपको पता नहीं इसमें क्या है, ये कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है कि नाइट्रोजन डालना हो तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर बाजार से खरीदना है, उसको बोलना बोला भैया हमें पोटेशियम वाला दे दो, हमारे खेत में पोटेशियम का क्या मैन्योर में ऐसा कुछ है, वो तो गोबर से जो बना लिया जो बना डाल दिया, तुमको मालूम है उसमें पोटेशियम ज्यादा है कि नाइट्रोजन ज्यादा, कुछ पता है? सो इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है क्या? एंड इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, इसको किस में डालना पड़ता है, क्या थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि ज्यादा सा? सो इट इज नीडेड इन, और इसका फायदा क्या है बताओ, अगर तुमने, हमने वो मिट्टी दिखाई थी पहले वाली रेतीली मिट्टी, अगर तुम उसमें फर्टिलाइजर डालोगे तब फायदा है कि मैन्योर डालोगे तब? मैन्योर से क्या होगा, क्या उसमें ह्यूमस आ जाएगा? और ह्यूमस आने से क्या करेगा बताओ? सर ह्यूमस आने से सर जो अंदर की मिट्टी है सर वो मॉइस्ट रहेगी, वो इट रिटेन वाटर, तो इसलिए मैन्योर तो ऐड करना ही चाहिए, मैन्योर नहीं ऐड करोगे पानी परकोलेट हो जाएगा, इट सीप्स डाउन, सब नीचे चला जाएगा, जैसे तुम्हारा मिट्टी रेतीली रहे तो पानी डालते हुए नीचे चला जाएगा, तुम्हारी मिट्टी में कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए मैन्योर ऐड करो। अभी भी तुमने मिट्टी छू के देखी गीली थी, वो 10 दिन पुरानी है, और रेत में, रेत तो तुरंत ही नीचे चला, रेत को छू के देखा तो वो क्या, वो गीली थी और ये गीली थी, तो क्या फायदा हुआ बताओ मैन्योर का? इट एड ह्यूमस एंड मेक्स द सॉइल मॉइस्ट, इट ऑल्सो रिटेन्स वॉटर, तीनों चीज बोल के दिखाओ, मानसी ने सीधा बता दिया कि गुड लर्निंग इज गुड लिसनिंग, इन्होंने कहा अच्छा सुनना ही अच्छा सीखना है, तीनों बात खट से बता दी इन्होंने, ये होता है टैलेंट, हम लोगों को सीखना चाहिए इनसे, बोलो तीनों चीज, सर ह्यूमस मॉइस्ट सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इट हेल्प्स टू रिटेन वाटर बाय सॉइल, ठीक है कि नहीं? सो इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, इट एड ह्यूमस, ये ह्यूमस एड करेगा, ठीक है, एंड मेक्स द सॉइल मॉइस्ट, अच्छा, इट ऑल्सो हेल्प्स सॉइल टू रिटेन वाटर, पानी को रखेगा, नम बनाए रखेगा ना, इट हेल्प्स सॉइल टू रिटेन वाटर, और क्या करेगा, छू के देखा मिट्टी कैसी गद्देदार थी, ऐसे में तो कोई लेट भी जाए गद्दे को भी मात दे रही है, सो इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, क्या बढ़िया मिट्टी, क्या करेगा एंड और क्या करेगा बताओ, इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो रूट्स कैन ब्रीद वेल, मतलब सॉइल को हल्का बना देता है कि नहीं, एंड रूट्स इसमें अच्छे से सांस ले सकती हैं, इट इंप्रूव्स, और क्या ये अर्थवॉर्म्स को बढ़ने में भी मदद करता है? यस सर, और फर्टिलाइजर डाल दो सारे अर्थवॉर्म जल जाएंगे तुम्हारे, ये अगर तुमने फर्टिलाइजर जरा सा भी डाल दिया तो अगर अर्थवॉर्म जल गए तो तुम्हारी फील्ड को फिर बचाने वाला कोई नहीं है, तुम खुद ही जाओ, अर्थवॉर्म अपना काम कर रहे हैं, वो खेतों के किसान हैं, तुम थोड़ी ना हो, वो वहां दिन रात लगे बेचारे, एक पैसा भी नहीं मांग रहे तुमसे, पसीना भी बहाएंगे, कुछ नहीं चाहिए,
उनको बस खेत में से ऐसे ही मिट्टी अलटनी पलटनी है, वो वहां पे प्लोइंग कर रहे हैं दिन रात। अब बोलो तुम फर्टिलाइजर ऐड किए, सारे अर्थवर्म मर गए, तुमने खेत के किसान ही मार डाले। तो अच्छा ये है कि वो, ये तो होना ही चाहिए। सो इसलिए ये इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर ये जो प्लांट अर्थवर्म्स हैं टू सर्वाइव। अर्थवर्म्स को नीमाटोड्स कहते हैं, क्योंकि वहां नीमाटोडा लिखा है कि नहीं, जब तुमने सबसे नीचे जिसमें अर्थवर्म बने होंगे ऐसा लिखा है नीमाटोडा कि नहीं? अच्छा तो कहीं लिखा नहीं है अर्थवर्म नीमाटोडा है, बट हमने ऐसा बनाया नहीं, उसमें और भी सर मैन्योर से सर सॉइल की होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो इट हेल्प सॉइल टू रिटेन वाटर यानी पानी, और इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, लिखो टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड गुड फॉर सर्वाइवल ऑफ, इसके सर्वाइवल के लिए अर्थ अर्थवर्म वॉर्म, इसको नोट करते हैं, इतना ही रखा।